हेलो फ्रेंड्स, दुर्गाशाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये यहाँ तक का पार्ट बन चुका है, स्लीव्स भी हमारी बन चुकी है और इतना पार्ट यहाँ तक का भी बन चुका है। अब हम इसे आगे अपना ये पैटर्न बनाएंगे हैं सीधी साइड में। फ्रेंड्स, अब हम अपना देखिए, जो हमने ये जैसे ये पैटर्न बनाया था अपना, ऐसे ही हम यहाँ पर ये पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने पट्टी के फंदे बना लेंगे, ऐसे सीधे ही। पांच फंदे हमारे पट्टी के हैं तो हम इन पांच फंदों को सीधा बना लेंगे। पट्टी के फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इससे आगे देखिए, नीचे जो हमारा ये व्हाइट धागा है इसे हम ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ से ऐसे हम इसको ऊपर ले लेंगे और पहले हम तीन फंदे अपने पिंक कलर से सीधे बना देंगे। तीन फंदे बनाने के बाद अब हम एक फंदा अपना व्हाइट कलर से बनाएंगे, फिर सात फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे। चार, पाँच, छः और एक ये सात, सात फंदे देखिए हमने अपने ये पिंक कलर से बनाए, फिर एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे, फिर सात फंदे हम अपने पिंक कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, पाँच, छः और एक ये सात, फिर एक फंदा वाइट कलर से। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम अपने सात फंदे पिंक के एक फंदा वाइट का बनाते हुए ये सिलाई हम अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे। लास्ट में भी हमारे तीन फंदे पिंक के आएंगे इसमें, जैसे हमारे इधर आया ऐसे ही हम इधर करेंगे। तो हम ये सिलाई अपनी ऐसे ही बनाते हुए, सात पिंक एक वाइट, सात पिंक एक वाइट बनाते हुए ये सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई बनाते हुए फ्रेंड्स हम लास्ट में आ गए हैं, सात पिंक एक वाइट, सात पिंक एक वाइट। यहाँ पर मैंने वाइट फंदा बनाया है। अब इससे आगे मेरे चार फंदे यहाँ पर बचे हैं, इन चार फंदों को हम सीधा पिंक कलर का ही बना देंगे। देखिए एक बार हम इस धागे को यहाँ पर ऐसे दबा देंगे और चार फंदे पिंक के बनाने के बाद अब आगे हमारी पट्टी वाले फंदे हैं, पट्टी वाले फंदों को भी हम सीधा ही बनाएंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं, उल्टी साइड से फिर हम अब पहले अपने पट्टी के फंदे बनाएंगे। पट्टी के फंदे बनाकर आगे धागा करेंगे। पूरी सिलाई हम अपनी जैसे हमने पहली सिलाई बनाई है वैसे ही हम अपनी ये सिलाई भी बनाएंगे। चार फंदे उल्टे पिंक कलर के और एक फंदा हमारा ये वाइट कलर का, फिर चार फंदे, सात फंदे हम पिंक कलर के, बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलाई निकाल लेंगे जैसे हमारे फंदे हैं, पिंक पे पिंक और वाइट पे वाइट। जैसे हमने अपना ये वाला पैटर्न बनाया है इसी तरीके से हम अपना ये पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। ये सिलाई हम निकाल लेते हैं, उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं, सीधी साइड में फिर अब देखिए, पहले हम अपने ये पट्टी के फंदे ही बनाएंगे। पट्टी के फंदे बनाने के बाद अब हम आगे दो फंदे अपने पिंक कलर के बनाएंगे। यहाँ पर तीन फंदे अब हम अपने वाइट कलर से बना लेंगे, एक, दो और एक ये तीन, फिर पांच फंदे हम पिंक कलर के बनाएंगे। पांच फंदे हमने पिंक कलर के बनाए, फिर तीन व्हाइट के, बिल्कुल सेम हम अपना ये वाला पैटर्न ही बनाएंगे जैसे हमने बाजू में बनाया है। हम ये पैटर्न अपना बना लेते हैं, मैं आपको इसका ग्राफ दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ये पैटर्न बना लिया है, बिल्कुल सेम जैसे इस पे बनाया है ऐसे ही हमने अपना पैटर्न यहाँ पर बनाया है। अब इसके बाद हम ये पैटर्न में हमारी आठ सिलाइयाँ निकली हैं इसके जैसे ही। अब हम जैसे हमने इसमें ये वाइट कलर से सिलाइयाँ निकाली थी, इसमें हमने 44 सिलाइयाँ निकाली थी, यहाँ पर हम 22 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। 22 सिलाइयाँ हम अपनी बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, और पट्टी के फंदे हम अपने ये पिंक कलर के ही रखेंगे। देखिए ऐसे हम अपने ये पहले पट्टी के फंदे बना लेते हैं। देखिए पट्टी के फंदे बनाए हमने, अब हमने जो हमारा ये व्हाइट कलर का धागा है इससे हम फंदे अपने पूरे पूरी सिलाई हम अपने इसी से बनाएंगे। देखिए
जो पिंक फंदे हैं उनको भी हम अपने वाइट कलर का ही बना देंगे, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, और इधर से भी हम अपने ये पिंक कलर की पट्टी बनाएंगे। धागा हमारा है इधर, दोनों तरफ हमारा धागा है, तो इधर की साइड की पट्टी भी हम पिंक कलर से और इधर की साइड की पट्टी भी हम पिंक कलर से बनाएंगे। बीच का सारा हम वाइट बनाएंगे। 22 सिलाई हम अपने ऐसे ही सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी बनाते हुए इसमें 22 सिलाइयाँ हम अपनी निकाल लेते हैं। पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनाते हुए अपनी ये निकाल लिया वाइट कलर से। अब पट्टी के फंदे यहाँ पर हम अपने पांच ये पिंक कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये धागा हमारा यहीं पर था, यही हमने ऊपर धागा ले लिया अपना, तो इससे हम अपनी ये पट्टी यहाँ पर बनाएंगे। अब हम वापसी मोड़ते हुए पहले हम अपने ये पट्टी के फंदे बनाएंगे। पट्टी के फंदे बनाए, धागा आगे करेंगे, यहीं से हम अपने ये देखिए वाइट कलर के फंदे को लेंगे और इससे हम यहाँ पर अपने ये बीच वाले फंदे सारे ऐसे उल्टे उल्टे बनाते हुए पूरे वाइट कलर से बना लेंगे और पट्टी फिर लास्ट में हम पिंक कलर से बनाएंगे। ऐसे ही हम अपनी ये 22 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी यहाँ पर ये 22 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। पैटर्न, ये पैटर्न बनाने के बाद इसके ऊपर हमने यहाँ से ये 22 सिलाइयाँ अपनी निकाल ली हैं। अब हम इसमें अपना आगे वाला पैटर्न बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें अपना आगे वाला पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न हम फ्रंट साइड में बनाएंगे, दोनों साइड की, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। तो हमारे फ्रंट साइड में 37 फंदे इधर हैं, 37 फंदे हमारे इधर हैं, तो जो हमारा पैटर्न है वो हमारा बीच के 15 फंदों पर हम अपना पैटर्न डालेंगे, तो 11 फंदे हमारे इधर बचेंगे, 11 फंदे हमारे इधर बचेंगे। पट्टी के फंदे भी हमारे 11 फंदों में ही हैं, तो सबसे पहले हम इधर से अपने 11 फंदे बना लेते हैं। देखिए पहले हम अपने ये जो पिंक कलर की पट्टी है, पट्टी के फंदे बनाएंगे। पांच फंदे हमने अपने पट्टी के बना लिए, इससे आगे अब हम 6 फंदे अपने वाइट कलर से बना लेंगे और ये वाला धागा हम अपना साथ में लेकर चलेंगे। देखिए ये देखिए 6 फंदे हमने अपने पट्टी के बना लिए हैं आगे से ये वाइट कलर के, तो 11 फंदे हमारे ये बन चुके हैं। अब इससे आगे हम 2 फंदे और अपने वाइट कलर से बनाएंगे, तो वो 2 फंदे जो हम बनाएंगे वो हमारे पैटर्न के हैं। पैटर्न हमारा 15 फंदों पर पैटर्न ये डलेगा। सबसे पहले हम 2 फंदे यहाँ पर अपने वाइट कलर से बनाएंगे। वाइट कलर से 2 फंदे बनाने के बाद इसके बाद हम 5 फंदे अपने पिंक कलर से बना देंगे। 1 2 3, ये धागा भी साथ में लेंगे। 4 5, 5 फंदे बनाने के बाद इससे आगे अब हम अपने सारे फंदे वाइट कलर से बना देंगे। 15 फंदों में से हमारे देखिए 2 फंदे इधर बना दिए हमने, 5 ये 7 फंदे, तो आगे के हम अपने जो 15 फंदों में से हमारे फंदे बचे हैं वो भी फंदे हम अपने वाइट कलर से ही आगे बना देंगे और जो 11 फंदे हैं वे भी हमारे वाइट कलर से ही बनेंगे। अब इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो जो हम दोबारा से अपना इधर पैटर्न डालेंगे तो यहाँ पर हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम अपने ये फंदे पूरे बुन लेते हैं यहाँ से वाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये सिलाई पूरी निकाल लिया वाइट बनाते हुए, तो अब हम अपना इधर वाला पैटर्न बनाएंगे। इधर वाले पैटर्न पे अब हम देखिए, हमने 5 फंदे पट्टी के, 6 फंदे हमने फिर ये वाइट, 2 फंदे वाइट हमारे पैटर्न के, इसके बाद हमारे 5 फंदे पिंक जैसे हमने अपने यहाँ पर बनाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर या तो आप यहाँ पर दूसरा धागा ज्वाइन कर लो या फिर जो धागा इधर वाला है इसे ही हम इधर लेकर आएंगे। तो इसे हम देखिए इस धागे के नीचे से ले लेंगे, जो हमारा वाइट कलर का धागा है, से थोड़ा लूज छोड़ते हुए, तो यहाँ से हम अपने 5 फंदे पिंक कलर के बना देंगे। धागा हम थोड़ा लूज ही छोड़ेंगे ताकि हमारा धागा ये खींचे ना, तो वाइट धागे को साथ में लेकर चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने ये 5 फंदे बना दिए। इससे आगे अब हमारे सारे फंदे वाइट कलर से बनेंगे। 2 फंदे हमारे पैटर्न के हैं यहाँ पर वाइट, और इससे आगे 6 फंदे हमारे इधर के हैं जो हमारे 11 फंदों में से हैं। देखिए इस तरीके से ये हमने अपने यहाँ पर 8 फंदे वाइट बना दिए हैं। अब अपनी हम पट्टी बनाएंगे। पट्टी हमारी पिंक कलर की है, तो इसे हम अपनी पट्टी को पिंक कलर का बना देंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से अब हम पहले अपनी पिंक पट्टी को बना लेंगे। 1 2 3,
चार और एक ये पांच, पांच फंदे हमने अपने ये पट्टी के बना लिए। अब धागा आगे करेंगे, धागे को हम ऐसे यहाँ पर दबाएंगे और ये वाइट धागा हमारा इधर आगे है। तो यहाँ से अब हम अपने सात फंदे वाइट कलर के बना लेंगे, एक दो तीन, और पिंक धागा साथ में लेंगे, चार पाँच छः सात, सात फंदे हमने वाइट बना लिए। अब इससे आगे हम 10 फंदे अपने पिंक कलर के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक ये छः, छः बन गए, 3 फंदे और हम आगे से अपने वाइट कलर के जो हैं पिंक कलर के बना देंगे, सात आठ, एक दो तीन चार नौ और एक फंदा और बनाएंगे। ये देखिए हमारे 10 फंदे यहाँ पर पिंक कलर के बन गए हैं। अब इससे आगे हम अपनी पूरी सिलाई अपनी वाइट कलर से बना लेंगे, वाइट कलर का बनाते हुए फिर इधर फिर हम अपने 10 फंदे बनाएंगे, तो इधर से हम वाइट फंदे छोड़ देंगे, तो हम अपने ये बीच वाले फंदे अपने वाइट कलर से बना लेते हैं। बीच के फंदे हमने अपने वाइट बना लिए हैं, इधर मैंने ये 4 फंदे वाइट के छोड़ दिए हैं, 4 फंदों को यहाँ पर हम अपना पिंक कलर का बनाएंगे, एक दो तीन और एक ये चार, 4 फंदे बनाए, 5 फंदे इससे आगे हैं, तो इन 5 फंदों को भी हम अपना पिंक कलर का ही बना लेंगे, 10 फंदे यहाँ पर हम अपने ये पिंक कलर के बनाएंगे। अब एक फंदा यहाँ से और हम अपना ले लेंगे, तो ये सिलाई हमने अपनी बना ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं, सीधी साइड से फिर हम अपनी देखिए पहले पट्टी के फंदे बनाएंगे, पट्टी के फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 6 फंदे अपने वाइट कलर के बना लेंगे, छह फंदे हमने वाइट कलर के बनाए। इसके बाद अब हम 7 फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात, 7 फंदे हमने पिंक कलर के बनाए। अब एक फंदा हम वाइट कलर का बनाएंगे और इसके बाद 4 फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, एक दो तीन, एक फंदा आगे और हम पिंक कलर का बना देंगे। अब इससे आगे पूरी सिलाई हम अपनी वाइट कलर से निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से वाइट कलर से बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे, फिर अपना इधर वाला पैटर्न बनाएंगे। ये सिलाई हमने अपनी पूरी ये वाइट कलर के फंदे बना लिए हैं। अब हम पैटर्न पर आ गए हैं, इधर एक फंदा हमारा वाइट है, इस फंदे को हम पिंक कलर का बना देंगे, एक फंदा हमने पिंक कलर का बनाया, 3 फंदे और यहाँ पर हम अपने पिंक कलर के बनाएंगे, यानी कि इधर हम अपने टोटल 4 फंदे पिंक कलर से बना देंगे, फिर एक फंदा हम अपना वाइट कलर से बनाएंगे, इसके बाद 7 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, तीन चार पाँच छः और एक ये सात, एक फंदा आगे से और हमने वाइट लेकर पिंक का बनाया है, तो हमारे ये 7 फंदे हो गए हैं। अब इससे आगे वाले फंदे हम अपने वाइट कलर से बना लेंगे, और जो पिंक कलर की पट्टी है उसे हम पिंक कलर का ही बना देंगे। देखिए इस तरीके से वाइट कलर के हमने ये 6 फंदे बनाए, अब इधर से पिंक कलर के फंदों वाली हम अपनी पट्टी बना देंगे। ये इस तरीके से अब हम यहीं से सिलाई को वापस मोड़ते हुए पहले अपनी पट्टी बनाएंगे, हमने अपनी पट्टी बनाई, पट्टी के बाद धागा आगे करेंगे और जो हमारे वाइट फंदे हैं इन्हें हम अपना वाइट कलर का ही बना लेंगे, 6 फंदे हैं हमारे तो हम 6 फंदे अपने वाइट कलर के बना लेंगे। अब इससे आगे हम 3 फंदे अपने पिंक कलर के बनाएंगे, 3 फंदे बनाए, फिर एक फंदा वाइट कलर का बनाएंगे, फिर 3 फंदे पिंक कलर से, फिर इससे आगे एक फंदा जो हमारा वाइट कलर का है उसे वाइट कलर का ही बना देंगे, और इससे आगे हम 5 फंदे अपने पिंक कलर से बनाएंगे, तीन चार, एक फंदा और आगे ले लेंगे
पांच पांच फंदे हमने पिंक कलर से बनाए। अब हम इससे आगे अपने पूरी सिलाई, जो हमारे वाइट कलर के फंदे हैं, वाइट कलर से पूरी सिलाई हम अपनी निकाल लेते हैं। वाइट फंदे हमने सारे अपने बना लिए हैं। अब हम इसके पैटर्न पर आ गए हैं। इधर एक फंदा है, इसे हम पिंक कलर का बना देंगे एक फंदे को। तो इधर की साइड हम अपने पांच फंदे बनाएंगे, दो तीन चार और एक ये पांच। फिर एक फंदा हम अपना वाइट का ही बनाएंगे। इसके बाद तीन फंदे पिंक से बनाएंगे, फिर एक फंदा वाइट, फिर दोबारा से तीन फंदे पिंक कलर के। देखिए इस तरीके से। अब इससे आगे हमारे छह फंदे वाइट हैं, हम छह फंदों वाइट को बना लेंगे। और अपने जो पट्टी के पिंक कलर के फंदे हैं, इनको हम अपने दोनों साइड से बना लेते हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, और सीधी साइड से मैंने अपनी पट्टी के फंदे और ये छह फंदे अपने बना लिए हैं वाइट कलर के। अब हम अपना पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न के लिए हम जो हमारे तीन फंदे पिंक कलर के हैं, इनको हम पिंक कलर का ही बना लेंगे। जो वाइट फंदा है, इसे भी हम पिंक कलर का बना देंगे। चार फंदे हो गए। अब हम इससे आगे तीन फंदे और अपने पिंक कलर के ही बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे सात फंदे अब पिंक कलर से हो गए हैं। तो जो वाइट कलर का फंदा है, इसे हम वाइट कलर का ही बना देंगे, और जो पांच फंदे हैं, इन्हें हम पिंक कलर से ही बना देंगे। पांच फंदे जो पिंक कलर के हैं, और आगे के फंदे सारे हम अपने वाइट कलर से बनाएंगे। बीच वाले फंदे जो भी हमारे हैं, इन्हें हम वाइट कलर से बना लेते हैं। व्हाइट फंदे हमने बना लिए हैं। अब हम पैटर्न पर हैं। इधर हमारे ये पांच फंदे पिंक कलर के हैं, तो इन फंदों को हम अपने पांच फंदों को पिंक कलर का ही बना देंगे। एक दो तीन चार और एक ये पांच। पांच फंदे हमने बनाए। अब इससे आगे हमारा एक फंदा व्हाइट कलर का है, तो हम अपना एक फंदा ये व्हाइट कलर का बना देंगे। और इससे आगे अब हम सात फंदे पिंक कलर के बनाएंगे। एक दो तीन, जो व्हाइट कलर का फंदा है, इसे भी हम पिंक कलर का ही बना देंगे। और तीन फंदे और आगे से हम पिंक कलर के बनाएंगे। ये हमारे सात फंदे बन गए हैं। और इससे आगे अब हमारे जो व्हाइट कलर के फंदे हैं, इन्हें हम व्हाइट कलर से ही बना देंगे। और जो पिंक कलर के हैं, पट्टी वाले फंदे, उन्हें हम पिंक कलर से बनाएंगे। दोनों साइड से हम अपनी ये पट्टी बना लेते हैं। हमने अपनी उल्टी तरफ के फंदे बना लिए हैं, पट्टी के भी और छह फंदे। अब हम पैटर्न पर हैं। पैटर्न में हम सबसे पहले इधर से अपने पांच फंदे पिंक कलर से बनाएंगे। दो तीन चार और एक ये पांच। पांच फंदे हमने पिंक के बनाए। एक फंदा वाइट बनाएंगे, एक फंदा फिर हम पिंक का बनाएंगे, फिर जो वाइट फंदा है, इसे हम वाइट ही बना देंगे। अब इससे आगे हम छह फंदे पिंक कलर के बना देंगे। दो तीन चार पांच, एक फंदा और आगे से लेंगे, छह। छह फंदे हमारे पिंक के बन गए। अब इससे आगे जो हमारे फंदे हैं सारे वाइट कलर वाले, हम सारे वाइट कलर से बना देंगे। बीच के फंदे हमने सारे अपने बना लिए हैं। अब हम इधर वाले पैटर्न पे आ गए हैं। इधर वाले पैटर्न पे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पर वाइट छोटा है, इसे पिंक कलर का बना लेंगे। छह फंदे यहाँ पर हम अपने पिंक कलर से बनाएंगे। तीन चार पाँच और एक ये छः। छः फंदे बनाए। अब एक फंदा हमारा ये वाइट बनेगा, फिर एक फंदा पिंक, फिर एक फंदा वाइट, और इससे आगे के पांच फंदे अब हम अपने पिंक कलर से बना देंगे। तीन चार और एक ये पांच। अब इससे आगे वाइट फंदे वाइट बनाएंगे, और पिंक फंदे हम पिंक बनाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए, हमने उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी अपने ये वाले फंदे बना लिए हैं। हम पैटर्न पर आ गए हैं। पैटर्न में अब हम दो फंदे पहले पिंक कलर के बनाएंगे, इसके बाद एक फंदा वाइट बनाएंगे, फिर तीन फंदे पिंक के बनाएंगे, इसके बाद एक फंदा वाइट बनाएंगे, फिर छह फंदे पिंक के बनाएंगे। दो तीन चार पाँच
और एक ये छः, छः फंदे बनाए। अब एक फंदा हम वाइट बनाएंगे और फिर एक फंदा पिंक बनाएंगे। इससे आगे पूरी सिलाई हम अपने जो पिंक कलर के फंदे हैं, वाइट कलर के फंदे हैं, पूरे हम अपने वाइट वाइट बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हमने अपनी निकाल दी है। अब हम अपने इधर के पैटर्न पर आ गए हैं। इधर से एक फंदा वाइट है, वाइट फंदे को हम इधर पिंक कलर का बनाएंगे और जो हमारा पिंक कलर का फंदा है इसे हम वाइट कलर का बना देंगे। इसके बाद छह फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः। अब एक फंदा वाइट बनाएंगे, फिर तीन फंदे पिंक बनाएंगे। इसके बाद एक फंदा वाइट बनाएंगे और फिर दो फंदे पिंक के बनाएंगे। ये हमारा पैटर्न डल चुका है। अब इससे आगे हम अपने वाइट फंदे वाइट बनाएंगे और पिंक फंदे पिंक बनाएंगे। देखिए वाइट फंदों को बना लेते हैं, पिंक फंदों को दोनों साइड से। हमने अपने दोनों तरफ के फंदे बना लिए हैं, उल्टी साइड में हम पैटर्न पर हैं। अब हम यहाँ पर एक फंदा पिंक कलर का बनाएंगे, इसके बाद तीन फंदे वाइट बनाएंगे और इसके बाद नौ फंदे हम पिंक से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ, नौ फंदे बनाए। अब एक फंदा वाइट, फिर एक फंदा पिंक। इससे आगे वाले सारे फंदे हम अपने वाइट कलर से बनाते हुए जाएंगे। बीच के फंदे हमने बना लिए हैं, पैटर्न पर हैं। अब पैटर्न में हम जो फंदा हमारा पिंक कलर का है इसे हम पिंक कलर का ही बना देंगे, एक फंदा। इससे आगे जो वाइट है इसे वाइट कलर का ही बनाएंगे। इससे आगे अब हम नौ फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ। फिर हम एक फंदा, तीन फंदे यहाँ पर वाइट बनाएंगे, फिर एक फंदा पिंक कलर का बनाएंगे। ये पैटर्न डल चुका है। इससे आगे अब हमारे जो वाइट फंदे हैं उन्हें वाइट बना लेंगे, जो पिंक है उन्हें पिंक बनाएंगे। हमने दोनों तरफ से अपने ये फंदे बना लिए हैं और हम अपने पैटर्न पर आ गए हैं। पैटर्न पे हम जो हमारा पिंक कलर का फंदा है इसे हम पिंक कलर का ही बना देंगे और जो वाइट कलर के फंदे हैं तीन, इन्हें हम वाइट कलर का ही बनाएंगे। देखिए तीन फंदे हमने वाइट कलर से बनाए। अब इससे आगे हम नौ फंदे अपने पिंक कलर के बनाएंगे। छ सात आठ और एक ये नौ, नौ फंदे बनाए। अब जो दो हमारे ये फंदे हैं इन्हें हम वाइट कलर का ही बना देंगे, वाइट कलर वाले को भी और पिंक कलर वाले को भी। दोनों को हमने वाइट कलर का बनाया। अब इससे आगे जितने भी वाइट कलर के फंदे हैं सबको बनाते हुए हम अपनी ये सिलाई निकाल लेंगे। वाइट फंदे बनाते हुए हम इधर पैटर्न पे आ गए हैं। जो हमारे ये पिंक कलर का फंदा है इसे हम वाइट कलर का बना देंगे और जो वाइट कलर का है इसे भी वाइट कलर का बनाएंगे। ये दोनों फंदे हमने अपने इधर वाइट कलर में ले लिए हैं। अब इससे आगे जो हमारे पिंक कलर के फंदे हैं इन्हें हम पिंक कलर का बना देंगे और जो वाइट के हैं उन्हें वाइट कलर का बनाएंगे। नौ फंदे हमारे ये पिंक कलर के हैं, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ। इससे आगे तीन फंदे हमारे वाइट के हैं, फिर एक फंदा पिंक कलर का। और इससे आगे जितने भी हमारे फंदे वाइट हैं हम वाइट बनाएंगे और जो पिंक है उसे पिंक बनाएंगे। दोनों तरफ से अपने बना लेते हैं। दोनों तरफ से हमने अपने ये फंदे बना लिए हैं, पांच पट्टी के और छह अपने वाइट। अब जो हमारा आगे एक पिंक फंदा है इसे भी हम वाइट कलर का बना देंगे। सात फंदे यहाँ पर हमारे ये वाइट के हो गए हैं। अब इससे आगे एक फंदा हम अपना ये पिंक कलर का बनाएंगे और फिर दो फंदे वाइट के बनाएंगे और इससे आगे नौ फंदे पिंक के बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ, नौ फंदे बनाए। अब इससे आगे जितने वाइट फंदे हैं सारे हम अपने ये वाइट फंदे बना लेंगे।
बीच वाले फंदे हमने बना लिए हैं, पैटर्न पर आ गए हैं। पैटर्न में अब जो हमारे ये पिंक फंदे हैं, 9 फंदे, इन्हें हम पिंक कलर से ही बना लेंगे। 9 फंदे हैं हमारे ये, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। 9 फंदों के बाद 2 फंदे हम अपने वाइट कलर के बनाएंगे, एक फंदा पिंक कलर का, और फिर इससे आगे हम 7 फंदे अपने ये वाइट बनाएंगे, पिंक वाले को भी वाइट, और 6 फंदे और आगे हमारे ये वाइट कलर के हैं, तो हम इनको अपने वाइट कलर का ही बना लेंगे। और जो हमारे 5 फंदे पट्टी के हैं, इन्हें हम धागा पीछे करेंगे और सीधा बनाते हुए 5 फंदे अपने ये पट्टी के भी बना लेंगे। ये सिलाई हमारी निकल चुकी है, अब हम इसकी सीधी साइड है। अब ये पैटर्न हमारा यहाँ तक का बन गया है दोनों साइड में। अब इससे आगे का पैटर्न हम अगली वीडियो में बनाएंगे।